अभिजीत, मेरा जो सवाल है वो पाकिस्तान के ऊपर है। पाकिस्तान में जो आज हालत है कि एक यूएस डॉलर की वैल्यू उनके 246 पाकिस्तानी रुपीस के बराबर है। हाल ही में उन्होंने 1.1 बिलियन डॉलर का लोन लिया है आईएमएफ से, मगर कहा यह जा रहा है कि बाढ़ के चलते जो उनके 80 डिस्ट्रिक्ट तबाह हुए हैं उसका नुकसान ही 18 बिलियन डॉलर के आसपास होगा। उनकी मिनिस्ट्री ने आवाम से यहाँ तक कहा है कि विंटर में शायद उनके पास गैस की कमी हो जाए, तो उनके लोगों को इसके लिए भी तैयार रहना चाहिए। तो विशेषज्ञों का कहना है कि बावजूद सऊदी के लोन के और आईएमएफ के लोन के बावजूद पाकिस्तान कुछ महीनों में बैंक्रप्सी देखेगा। तो आपको क्या लगता है कि आपके विशेषज्ञ राय के हिसाब से पाकिस्तान में फाइनेंशियल क्राइसिस सून होने वाला है या पाकिस्तान इससे बाहर निकल पाएगा? Also, Abhijit देखिए, जो wanted to भी add that Shehbaz Sharif recently said that when he calls even a friendly nations, they think that he's, you know, asking for funds or he's begging. So, a big statement by the head of state categorically saying ki, like, हमारे friends को भी लगता है हम भीख मांग रहे हैं. So, I don't know, मतलब that could be your thing of starting. So, देखो, ये पहली बार नहीं है जब पाकिस्तान का बैलेंस ऑफ पेमेंट्स क्राइसिस हुआ है और वो वर्ज बैंकरप्सी पे हुए हैं। ये काफी बार पहले हो चुका है। और क्या होता है कि हर बार अमेरिका आके पाकिस्तान को बचा लेता है। और अगर आप देखेंगे जो ट्विटर पे जो पाकिस्तान अपोलोजिस्ट हैं, जो बड़े बड़े थिंक टैंकों और यूनिवर्सिटी में काम करते हैं, वो हमेशा बोलते हैं वी शुड नॉट फॉरगेट पाकिस्तान इज अ फ्रंटलाइन स्टेट इन आर वॉर अगेंस्ट टेरर। और उनके पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं, और उन अगर पाकिस्तान टूट गया वो न्यूक्लियर वेपन सब जिहादियों के पास चले जाएंगे। ये हमेशा से उनका लाइन रहा है और ये हमेशा लाइन अमेरिका ने खरीदा है। अब देखिए, नॉर्थ कोरिया के पास भी न्यूक्लियर वेपन्स हैं, रूस के पास भी न्यूक्लियर वेपन्स हैं, पर अमेरिका कभी संकोच नहीं करता है कि उन लोगों को एकदम बर्बाद कर दो सैंक्शन से, पर पाकिस्तान को कभी मत कर। तो इसमें दो चीजें हैं, एक तो पाकिस्तानी लॉबी जो अमेरिका में है वो इतना स्ट्रॉन्ग है, और दूसरा इंडिया का जो आउटरीच है वो इतना घटिया है कि जब भी मैं किसी से भी मिलता हूं डीसी में, वो बोलते हैं देखो पाकिस्तानी हमेशा इतना स्वीट होते हैं, तुम लोग इतने ये क्यों होते हो, या तो बदतमीज होते हो, या तो इंडिफरेंट होते हो, या तो बुद्धू होते हो, कुछ ना कुछ ऐसे ये होता है, ठीक है ना। So this is a very problematic issue. America will not allow Pakistan to collapse. Let's be very clear about this. Directly maybe not, but IMF या World Bank से कुछ ना कुछ ये हो जाएगा, या सऊदियों को अमेरिका भीख मांग के पाकिस्तान को कुछ दिला ही देगा, ठीक है ना। There is no other way out of this. So let's be very clear. अब इसमें क्या हुआ है जो आप बोल रहे थे कि इनके बाढ़ के वजह से इतना सारा लैंड टॉप सॉइल सब ये हो गया है। अब टॉप सॉइल से एग्रीकल्चर, तो जब टॉप सॉइल उड़ जाता है ना, तब एग्रीकल्चर अगले साल इट यूजली लीड्स टू फैमिन बिकॉज ऑल द न्यूट्रिएंट्स हैव बीन टेकन अवे एंड दिस थिंग। सो दे विल नेवर अलाउ पाकिस्तान टू लैप्स इनटू फैमिन। द थिंग इज, बांग्लादेश में कुछ तो मैन्युफैक्चरिंग है, पाकिस्तान में क्या मैन्युफैक्चरिंग है? एंड सो देयर कुड हैव बीन अ ब्राइट साइड टू द रुपी बीइंग 200 रुपीस टू द डॉलर। अगर आपका मैन्युफैक्चरिंग होता देन एवरी इंडस्ट्री उनका ड्रीम कम ट्रू होता, पर आप तो जिहाद के सिवाय और कोई इंडस्ट्री चलाते ही नहीं है उधर। जिहाद इज द मेन स्टे ऑफ द पाकिस्तानी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, तो उससे तो कोई आपको फायदा होने वाला है नहीं। अब और बचा क्या है उनका, दे विल वर्क अप, एक्सपेक्ट समथिंग बिग टू हैपन इन अफगानिस्तान और द नेबरहुड विच विल लीड टू सम काइंड ऑफ अ न्यूक्लियर थ्रेट विच देन फोर्सेस द इंटरनेशनल कम्युनिटी टू कम इन एंड प्रोवाइड लोन्स एंड व्हाट नॉट टू पाकिस्तान, और एक्सपेक्ट द लॉबी टू गेट लाउडर एंड लाउडर अबाउट हाउ पाकिस्तान कैनॉट बी अलाउड टू कोलैप्स।